अभी हमारे साथ भोजपुरी की एक मशहूर गायिका निशा उपाध्याय हैं। इनका घर छपरा है और आज ये जिस मुकाम पे पहुंची हैं वो अपने हिम्मत हौसला से पहुंची हैं। चूँकि बिहार से हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में किस प्रकार से स्ट्रगल करना पड़ता है वो सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सवाल आज इनसे पूछूंगा। सबसे पहले तो सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम आपका भी कि इस न्यूज़ से हमको जोड़ने के लिए, और जितने भी हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, मेरे भगवान स्वरूप श्रोतागण, सबको निशा उपाध्याय का हाथ जोड़ करके प्रणाम है। अपना आशीर्वाद प्यार जरूर दीजिएगा। पहला सवाल मैं आपसे करूँगा कि आपने स्टेज शो से शुरुआत किया और आज यहाँ पर पहुँची हैं, विरोध तो ज़बरदस्त हुआ होगा शुरू में? बहुत ज़्यादा विरोध अभी भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा जनता मेरे साथ है। सबसे बड़ा साथ पहले अब तो किसी लड़की के लिए फैमिली का होना चाहिए, क्योंकि लोग बोलता है कि फैमिली में उसका सपोर्ट नहीं था, चाहे कोई भी चीज़ें, लेकिन मेरे साथ मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है मेरे साथ। साथ साथ मेरे जितने भी श्रोतागण हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग करते गई और शुरू से स्कूल लाइफ से ही सबका साथ, सबका मतलब स्कूल से ही गाना गाते हैं। स्कूल से ही। अच्छा, आपका एक फेमस गाना है जिसका यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा व्यू है, उसने 100 मिलियन क्रॉस किया है, उस गाने को थोड़ा दर्शक को गा के सुना सकती हैं? जी, वो दहेज प्रथा का गाना है, दोनों टाइम खाना बनाना बलम हमर गरवा दबाना। तो मैं अधिकतर इसी टाइप का गाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये गाना मैं पहले एल्बम में TF कंपनी से गाई थी और महेश परदेसी जी का लिखा हुआ ये गाना था। बाद में मैं स्टेज प्रोग्राम पे इस गाने को गाई, स्टेज पे जब, तो स्टेज वाला गाना मेरा बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट हो गया। उसके बाद से जितने भी ऐप आए थे, TikTok से लेके सारी चीज़ें, उस पर बहुत फेमस हुआ, बहुत लोग गाए भी इस गाने को। तो बहुत अच्छा लगता है कि नया नया शादी होता है और पति पत्नी जब जाते हैं घर पे तो दहेज लेकर के शादी होता है, तो लड़की बोलती है कि अब दहेज लेकर के घर में शादी की हूँ, तो 50% का आरक्षण मेरा भी है, पूरा मेरा भी। ऐसे भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी आप लोगों को 50% का दिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लड़कियों को कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में, ये बात सच है। हाँ, तो ये गाना मैं गाई, फिर तो वो लड़की बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है, अब आगे जो मैं बोलती हूँ आपको करना पड़ेगा, फिर वो गाने के हिसाब से बताती है। गा के सुनाऊँ? सुनाइए। कि दोनों टाइम खाना बनाना, कि दोनों टाइम खाना बनाना, बलम हमर गोरवा दबाना। दोनों टाइम खाना बनाना, बलम हमर गोरवा दबाना, गोरवा दबाना जी, गोरवा दबाना, गोरवा दबाना जी, गोरवा दबाना। चाय पानी कि चाय पानी, तो चाय पानी पलंग पे लाना, बलम हमर गोरवा दबाना। दोनों टाइम खाना बनाना, बलम हमर गोरवा दबाना। क्योंकि आगे भी बोलती है कि लोग सोचते हैं कि लड़का ही, मतलब मैंने लड़का को बहुत अच्छा से पाल पोस के बड़ा किया है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, तो लड़की भी अपने घर की दुलाड़ी होती है, लड़के ही अपने माँ बाप के दुलाड़े नहीं होते हैं। तो माँ बाप के लिए लड़का लड़की दोनों है, तो लड़की कहती है कि नहीं हर के हाई बेटी दुलाड़ी, प्यार से पोसले बा बाप महतारी। नहीं हर के हाई बेटी दुलारी, प्यार से पोसले बा बाप महतारी। कि मैडम जी, मैडम जी, कि मैडम जी कह के बुलाना, बलम हमर गोरवा दबाना। दोनों टाइम खाना बनाना, बलम हमर गोरवा दबाना। ये तो बात सही है कि दोनों टाइम जो है पुरुषों को भी खाना बनाना चाहिए, और शायद इसी के वजह से जो है मैंने अपना छोटा भाई का शादी कर दिया और मैं खुद शादी नहीं किया हूँ, क्या पता है ये सब छोड़ के जो है वो पैर वैर दबाना पड़े, इसीलिए सोच लीजिए। क्योंकि आपका ये न्यूज़ भी है ना सच तक न्यूज़, तो इसलिए सच सच बातें बोलना चाहिए, छुपाना नहीं है, जो हकीकत है वो मैं बता रही हूँ आपको। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा अलग हट के, कोई ऐसा घटना का जिक्र कीजिए जहाँ पे आपको लगा होगा कि हाँ यहाँ पे हमको आके स्टेज शो नहीं करना चाहिए था। कुछ कुछ जगह पे ऐसा था, जैसे अभी भी कहीं पर है, तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा बुरा लगता था
क्योंकि कहीं जाइए तो अजीब टाइप से, चाहे ज़्यादा गाँव वाँव में कभी होता था कार्यक्रम तो वहाँ पे अजीब सा माहौल बन जाता है, कभी कुछ गंदी कमेंटें भी आते थे। तो हमारे साथ हमेशा मेरे पापा, मेरे भैया, चाचा और मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड लोग हमेशा जाते हैं। तो मतलब बड़े वाले भैया को मेरे ये पसंद नहीं था संगीत थोड़ा सा, और किसी भी भाई को अच्छा नहीं लगेगा जब जाते थे कुछ अल्टर कमेंटें आती थी, अश्लील कमेंट कमेंटें आती थी। तो मतलब बड़े वाले भैया बोलते थे आज के बाद से इसको कार्यक्रम में नहीं भेजेंगे, गाना उना नहीं गाएगी, अब ऐसे वैसे भी। फिर पापा बोले कि देखो अच्छा भी काम करोगे तो भी लोग बोलता ही है, तो ये अपना ये मेहनत कर रही है तो बोलने दो, जिसको बोलना है उसके पास भी इतना काबिलियत है तो करे, जिसका जैसा सोच है वो तो करेगा ही। फिर पापा ही मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए उसके बाद से। फिर धीरे धीरे अब भैया वह भी बड़े वाले भैया भी बोलते हैं कि छोड़ो जाने दो। फिर वो कहावत है ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोंकते हैं, तो वही बात है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी महिला कलाकार है वो किसी भी स्टेज शो में जाती हैं तो कुछ लोग, मैं सबको दोषी नहीं मानता हूँ, कुछ लोग जो है ना बेवजह अपना चरित्र सर्टिफिकेट जो एसपी से नहीं बना के अपना खुद बना के जो है स्टेज पे अश्लील गाली अश्लील कमेंट के रूप में देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। चूँकि आप लोग भी किसी ना किसी माँ और पिता के संतान हैं और इस प्रकार का हरकत करके जो है ना आप अपने नाम के साथ साथ अपने माँ और पिता का भी नाम जो है ना वो मिट्टी में मिलाते हैं। तो ऐसा ना करें, चाहे ये निशा उपाध्याय हो या कोई भी भोजपुरी की गायिका हो, एक्ट्रेस हो, अगर वो स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही हैं तो उन्हें परेशान करने की कोशिश ना करें, वरना ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग जो है आगे नहीं आ पाएंगे। क्योंकि पहली बात है एक तो लड़की है, लाख कोशिशों के बाद वो घर से आगे निकलती है। पहले भी कहा जाता है कि लड़की है तो पहले बोला जाता था अरे लड़की है तो इसको घर से बाहर मत निकलने दो, इसको जॉब मत करने दो। तो अब तो थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुआ है, जनरेशन के हिसाब से जनरेशन चेंज है तो अब उतना माइंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह पर ऐसी सोच है। तो कभी कुछ कुछ लोगों के कारण बहुत सारे कभी कभी मन में आता था कि छोड़ दें, सच में ऐसी बात है कि नहीं। 7 मिलियन फॉलोअर हैं, अगर छोड़ दी होती तो शायद 2-3 हज़ार पे लटकी होती, सही है कि नहीं है? तो वो 7 मिलियन फॉलोअर जो लगातार आपके गानों को सुनते हैं, आपके वीडियोज को शेयर करते हैं, उन्हें क्या कहना चाहती हैं? उन्हीं लोगों का प्यार आशीर्वाद है कि आज निशा का हौसला इतना बुलंद है। और मैं अपने मस्ती में रहती हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा जनता जो है मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सब। आपका एक फिल्म आने वाला है, सुनने में ऐसे आया है कि कुछ आपने फिल्म उल्म साइन किया, ये बात सच है? अभी गई थी मैं जस्ट मुंबई, तो फिल्म का मुहूर्त था तो 2-3 फिल्म में साइन मैंने किया है। तो अभी कुछ फिल्मों का नाम नहीं बताया गया है, और एक फिल्म का छोटू छलिया जी का मुहूर्त था, बिन की धूर्न ऐसे करके वो उसका था, तो उसमें भी मुहूर्त करके मैं आई हूँ, उसमें भी कुछ सीन है, बहुत जल्द आप लोगों को बताऊँगी। मैं ना कि मुझे एक्टिंग उतनी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे फैंस मुझे चाहते हैं कि मुझे पर्दा पे देखे, तो जितना संगीत से मेरा प्यार करते हैं मेरे श्रोता कि मैं सिंगिंग करती हूँ, तो जितना लाइक करते हैं इतना सब लोग बोलते हैं कि निशा जी आप बहुत लकी हैं कि आपके इतने सारे फैंस फॉलोइंग भोजपुरी में, तो बहुत मानता है लोग कि निशा जी के बहुत ज़्यादा फैंस फॉलोइंग है, तो ये रियली है। और ये अच्छा, कैसे आपने इतना सारा फैन फॉलोइंग बनाया है, कुछ हम लोगों को भी बताइए ताकि हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें और फैन फॉलोइंग बना सकें। मेरे से भी बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि निशा जी आप करती क्या हैं, कितना जल्दी आपका इतना फॉलोअर्स हुआ, कैसे मतलब क्या करती हैं पेज पर, क्या बताइए, कुछ बताइए हम लोग को भी। हम बोले हम कुछ भी नहीं करते, बस हम अपना फ़ोटो डालते हैं, लाइव वाइव आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि और YouTube पे भी जितने हमारे गाने चढ़ते हैं और मतलब कोई सा भी इंटरव्यू हो या गाने हो, फैंस मुझे देखकर के इतना खुश होते हैं, और जो कमेंटें अच्छे अच्छे करते हैं ना वो मुझे मेरा हौसला बढ़ाता है, और वो देखकर के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, शादी हुई है आपकी? नहीं। कोई ऐसा है अभी लाइफ में आपके? भगवान कितना बड़ा सवाल पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में अभी। पहला गाना आपका कौन सा था और उस गाने को गाने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? स्वागत कान होता है ना, तो ऐसे ही मतलब उस टाइम मैं गाती वाती नहीं थी, तो आने वाला था बाल दिवस आता है, बाल मेला आता है जिसको हम लोग बाल मेला बोलते हैं अपने बिहार में उसे, तो महादेव स्कूल में मैं थी उस टाइम, हमको लगता है कि 3री-4थी क्लास में होंगे शायद, तो उस टाइम तो सर लोग बोले कि मतलब सब लोग अपना जा रहा था गाना गाने के लिए, भाग ले रहा था, तो मैं भी सोची कि एक स्वागत गान से ही मैं भी
भाग लेती हूँ। तो मेरी जब बारी आई तो मैं गई गाने के लिए कि मैं स्वागत गान गाऊँगी, तो कुछ लोग मतलब सर लोग बोले कि स्वागत गान गाएगी, बाल मेला है उस पर कुछ शिक्षा उक्षा का गाना गाती कुछ। फिर मैं वो लोग बोले कि अच्छा ठीक है गाओ। जब गाई ना तो सब लोग को बहुत पसंद आया, बोले कि अरे इतना अच्छा गाती हो। और शुरू से मतलब मेरा ना जैसे अभी भी लोग बोलते हैं कि निशा जी बहुत बोल्ड आवाज़ है आपका, बहुत ऊँचे गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, तो शुरू से ही मेरा ऐसा ही था। तो मैं जब गाई तो मतलब यहाँ अपने स्कूल में गाती थी, मेरे घर के बगल में पास में ही स्कूल था, तो मतलब कुछ दूर तक सुनाई देता था, लोग बोलते थे निशा गा रही है। तो जब गाई स्वागत गान तो सर लोग को बहुत पसंद आया, और मतलब ऐसे ही जस्ट गाई थी, और उसी टाइम हमको 200-300 का इनाम हमको सर लोग दिए थे। और छोटे टाइम में 5 रुपये 2 रुपये जब ज़्यादा कीमत था उसका, और उस टाइम हमको 200-300 रुपये मिला, तो बहुत हमको खुशी हुआ। हम बोले वाह इतना। फिर मैं बोली अब और गाना गाऊंगी धीरे धीरे। फिर जैसे जब बाल मेला का समय आ गया, उसके मतलब 5-6 दिन बाद बाल मेला का समय आने वाला था, फिर उस टाइम मैंने गाना में भाग लिया, तो 2-3 गाना मैंने सेलेक्ट किया कि मैं गाऊंगी, और 3 गाना की तीनों गाना मैं 4th, 2nd, 3rd में ही आई। फिर यहाँ से मैं गई छपरा में कोई स्कूल था, यहाँ से 1st आ करके, तो वहाँ पे भी गई, तो वहाँ पे भी मैं 1st आई थी, दहेज प्रथा पे गाना गाई थी। उसके बाद से फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग मेरा हो गया। अच्छा एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है उस पर, एक अगर धनिया पे गाना गा दिया, वो धनिया पे गाना हिट हो गया, तो जब तक धनिया नेनुआ तैपात पुदीना जब तक नहीं हो जाएगा सब, और उसका जब तक चटनी बन के जो लोग पी नहीं लेगा। है ना कि जब सब्जी बनता है तो सब्जी में सिर्फ धनिया का तो काम आता नहीं है, धनिया के साथ में उसका हल्दी भी चाहिए। मुझे सब्जी तो नहीं आता बनाने, मुझे रोटी आता बनाने, लेकिन सुनती हूँ मसाले में सारी मसाले की ज़रूरत होती है, मिक्स करना होता है। इसीलिए हमारे भोजपुरी में भी क्या है कि यदि धनिया पे आ गया तो उसके बाद तो भाई पचाने के लिए पुदीना तो चाहिए ही पहले, उसके बाद। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, AR रहमान फेमस म्यूजिशियन हैं, पूरे इंडिया के ऑस्कर जीते हैं, और लता मंगेशकर फेमस गायिका हैं, इस लेवल का म्यूजिक भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं बनता है जिस लेवल का AR रहमान बनाते हैं? अब ये तो म्यूजिक डायरेक्टर लोगों से ही पूछना पड़ेगा कि वो लोग क्यों नहीं बनाते हैं। ये म्यूजिक डायरेक्टर लोग जो है लगातार एक पैड का आवाज़ देते हैं, DJ म्यूजिक ये वो फलाना ढिकाना, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती है ताकि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री भी पंजाबी गानों को, हरियाणवी गाने को और हिंदी गाने को टक्कर दे? बस यही बोलूँगी कि जो भी देख रहे बुरा मत मानिएगा। बस आपसे मैं तो उतना जानती नहीं हूँ, लेकिन गर्व की हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि भोजपुरी गाना का लेवल अच्छा होगा, इसलिए मैं निगेटिव वे में ये सवाल नहीं पूछा हूँ, पॉजिटिव वे में लेना है। हाँ। वरना कल जैसे सारे म्यूजिक डायरेक्टर लोग ना कल से कॉल करें निशा जी आपने ऐसा बोला फिर आपको भी बोलेगा लोग तो बस इतना ही चाहेंगे कि कुछ अलग हो तो अच्छी बात है। और मनीष जी ने अच्छा क्वेश्चन किया है, तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे म्यूजिक डायरेक्टर लोग देख रहे हैं, राइटर लोग देख रहे हैं, नया कुछ लिरिक्स आए और नया कुछ म्यूजिक और ऐसे ही गाने वाले लोग भी, फिर भोजपुरी में तो ऐसे ही तहलका हमारा हमेशा होता है, इतना प्यारी भाषा है हमारी भोजपुरी है, तो तहलका मचाया जाए। हमारा कहीं मकसद नहीं है कि किसी को हर्ट करें, हम चाहते हैं कि भोजपुरी उन ऊंचाइयों तक जाए जैसे साउथ के इंडस्ट्री का लोग नाम लेते हैं, पंजाब इंडस्ट्री का लोग नाम लेते हैं, बंगला भाषा जो है उसका फिल्म जो है ऑस्कर में नॉमिनेट होता है, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये तब सफल हो पाएंगे जब म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, गायक और एक्टर एक्ट्रेस सबका सपोर्ट होगा। हाँ, 8वीं अनुसूची में हमारा भोजपुरी भाषा नहीं है, इस पर क्या कहना चाहती हैं? सब लोग तो अपील किया ही है और मैं भी चाहूँगी क्योंकि भी जितना जल्दी हो, क्योंकि भोजपुरी भाषा बोलते सब लोग हैं, अधिकतर देखिए बॉलीवुड से लेकर के सब लोग अपने भाषा को, हमारी भोजपुरी भाषा को यूज करते हैं, जहाँ भी कॉमेडी का सीन होता है, जहाँ भी अच्छे सीन होते हैं, और उससे तो बस मैं चाहूँगी कि जितना जल्दी हो ही 8वीं सूची में नाम आए, और हमारे भोजपुरी के गर्व की बात है क्योंकि भोजपुरी भाषा इतनी प्यारी भाषा नहीं, इससे ज़्यादा प्यारा भाषा कोई हो ही नहीं सकता, तो बहुत खुशी होगी। और मैं चाहूँगी जितने भी हमारे भोजपुरी या सोए लोग हैं सब लोग का सपोर्ट इसके लिए होना चाहिए। एक और सवाल, सच तक न्यूज़ में आप जुड़ी हैं, डर नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं लगा डर की बात क्यों, क्योंकि सच सच तक का न्यूज जो है हमको डर क्यों लगेगा, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा सच ही बोलेंगे सच के सिवा सच ही बोलेंगे। चलिए एक नया डायलॉग है कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के सिवा सच ही बोलेंगे।